मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। यूपी की टीम नहीं मचा पाई बोकाल, गुजरात के जलेबी फावड़ा खागरा पड़ गए यूपी में भारी, और हम कह सकते हैं ये WPL टूर्नामेंट को ले भारी। व्हाट अ टूर्नामेंट इट हैज बीन टिल नाउ, अ टूर्नामेंट ऑफ सक्सेस ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, अ टूर्नामेंट ऑफ रेजिलियंस ऑफ वुमेन क्रिकेट एंड एवरीथिंग बीइंग एट इट्स बेस्ट आई कैन सी यू। जिस तरीके से ये WPL रहा है अभी तक बेहतरीन WPL कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हर एक मैचेस अपने एंड तक जा रहे। पर्सनली हमारे लिए भी WPL बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, सारी मैचेस हमने कवर किए है, चार मैच को छोड़ के कहीं ना कहीं बाकी सारी मैचेस हमने लगातार कवर किए। सो इट हैज बीन अ ग्रेट सेंस ऑफ टूर्नामेंट, और इसके बाद IPL आएगा, एवरीथिंग सब मैनेज करना पड़ेगा एक साथ। चलिए अभी पहले बात करते हैं आज के मैच के बारे में, यूपी बना गुजरात के बारे में। सोफिया क्लिक्सटन, पहली बात तो मैं उनके बारे में करूंगा, नो डाउट बेथ मुनी हैज प्लेड अ ग्रेट रोल, आखिरी ओवर में आपको शायद 5 छक्के पड़े, बट सोफिया क्लिक्सटन व्हाट आर यू बॉलिंग, मीन्स लिटरली शी हैज दैट एक्यूरेसी। और बेथ मुनी ने 5 छक्के मारे, गलती सोफिया क्लिक्सटन की इतनी थी नहीं उस चीज में, टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर। मतलब फील्डिंग बहुत ज्यादा खराब हुई उस आखिरी ओवर में पहले तो, और सोफिया क्लिक्सटन को 5 छक्के मारना इज द बिग थिंग आई कैन से यू, ए बिग बिग एंड अ बिग थिंग। शी हैज अ ग्रेट एक्यूरेसी टू बॉल विथ, और उन्हें 5 छक्का मारना मीन्स बेथ मुनी वॉज अ क्वालिटी, बेथ मुनी प्लेड सम क्वालिटी नॉक आई कैन से यू कल। और बाद में टॉप ऑर्डर ऑफ यूपी लिटरली कॉलैप्स, लिटरली फंबल, लिटरली डिस्ट्रॉयड। शबनम शकील शायद उनका नाम था, जिन्होंने गेंदबाजी जो कर रही थी बेहतरीन गेंदबाजी, सीम है, सीम मूवमेंट है। देखिए वुमेन्स क्रिकेट में अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप न्यू व्यूअर है जिसने एक भी मैच नहीं देखी वुमेन्स क्रिकेट की, तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हर गेंद 130, क्योंकि वैसा नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वुमेन सेगमेंट एंड अ मैन सेगमेंट। सो यहाँ पे 120, 110, 130 इज द फास्टेस्ट बॉल दैट यू कैन डिलीवर। 120, 110 में आपको ज्यादा बॉल्स देखने को मिलते हैं। फॉर अ सीमर जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रही थी, और सीम उनकी अच्छी थी, अपराइट पोजिशन थी उनके सीम में भी, और बेहतरीन तरीके से वो गेंदबाजी कर रही थी। सो अ ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय शबनम शकील, कहीं ना कहीं बेहतरीन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से यूपी के टॉप ऑर्डर को। बाद में हेली की बात करेंगे, हेली की परफॉर्मेंस हैज बीन डिसअपॉइंटेड इन दिस WPL। शी इज द ओनली कैप्टन टू नॉट बी इन दैट टॉप 5 रन स्कोरर्स लिस्ट। स्मृति मंदाना है वो टॉप 5 में, उस टॉप 5 में मैग लैनिंग है, उस टॉप 5 में कहीं ना कहीं गुजरात की कैप्टन बेथ मुनी है, उस टॉप 5 में हरमनप्रीत कौर है, बस हेली एक लौती कैप्टन है जो कि टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है, जो कि आपको डिसअपॉइंट करवा दे, क्योंकि शी इज अ ग्रेट प्लेयर, वी ऑल नो दैट। सो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग साल उनके लिए। और बाद में चौथी चीज में बात करने वाला हूँ दीप्ति शर्मा की बैटिंग, ब्रिलियंट, विलायंट, अ नॉक ऑफ सम ग्रेट पावर एंड अ नॉक विद सम डिटर्मिनेशन, मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से वो नॉक खेला उन्होंने। टीम का टॉप ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो चुका था, ग्रेस हैरिस वापिस जा चुकी थी पेविलियन, और बाद में यू आर द सीनियर प्लेयर, यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूनम खेमनार थी, लेकिन यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। पूनम खेमनार कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो खेल गई, बट शी ट्राइड हर बेस्ट टू टेक द शॉट्स आउट ऑफ हर बैट, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बॉल को बार बार खींचा जा रहा था, सो अच्छा नॉक उन्होंने भी खेला, लेकिन दीप्ति शर्मा इनिंग्स वॉज समथिंग टू टॉक अबाउट। बाद में फील्डिंग यूपी की शुरुआत से एक वीकनेस रही, जो कि मैं हर बार बात करता हूँ, हर वीडियो में मैंने कवर किया है, और ये मैच में भी फील्डिंग बहुत बड़ी वीकनेस रही। कहीं ना कहीं अगर आप फील्डिंग अच्छी करते शायद आप मैच जीत सकते थे। सो फील्डिंग हैज बीन द बिगेस्ट वीकनेस सोफिया क्लिक्सटन के, हर एक मैच में एक ना एक कैच छूटता ही है। हाँ चलिए अभी आज के मैच में आ जाते हैं, जो कि RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस। देखिए हमने कल के मैच की बात की, कल का मैच वॉज ब्रिलियंट, आज का मैच उतना अच्छा होगा। आज अगर RCB 70 रन से कम से हारती तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, और कहीं ना कहीं इट्स पॉसिबल, मतलब RCB नो डाउट इतनी तो गंदी बॉटल करेगी नहीं अगर वो टिपिकल RCB शो ना करे तो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मेरे हिसाब से RCB इज द थर्ड टीम टू गेट क्वालिफाई। चलिए अभी प्रेडिक्शंस करते हैं। पहली जो प्रेडिक्शन है वो है स्मृति मानधाना, तो हाँ टीम की बात अगर आप कर रहे हैं तो टीम दोनों ही टीमों की सेम होगी, ज्यादा चेंजेस टीम में तो नहीं होने चाहिए। अभी चलिए मैच प्रेडिक्शंस करते हैं। स्मृति मानधाना एंड एल्स पेरी टू स्कोर रन विद ऋचा घोष। दूसरी प्रेडिक्शन हेली मैथ्यूज टू स्कोर रन विद नेट्स कीपर ब्रेंट। तीसरी प्रेडिक्शन रेणुका सिंह टू टेक विकेट्स विद मॉली नक्स।
और शुभुल आशा। और चौथी प्रेडिक्शन है जो कि फाइनल प्रेडिक्शन है, वो है आरसीबी ये मुकाबले को जीतेगी। पहली तीन प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छी थी रही है मेरी, पिछले तीन प्रेडिक्शन, ये भी यहाँ पे भी मैंने बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि आरसीबी मैच को जीतेगी, तो देखते क्या होता है। तो इसी बहाने आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैच प्रेडिक्शन भी दे दी है मैंने अपनी आज के मैच को रिलेटेड। आज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद से हम शायद से कहीं ना कहीं वो जो एलिमिनेटर टाइप का एक मैच होगा ना, जो कि वो सेमीफाइनल, वहां पे शायद से यही दोनों टीम खेलने वाले, मुंबई और आरसीबी। सो उस हिसाब से आज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मिनी सेमीफाइनल आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए टॉप पे मुझे लग रहा है दिल्ली फिनिश कर सकती है। सो दिल्ली वुड डायरेक्टली गो टू द फाइनल और आज का मैच शायद से मिनी सेमीफाइनल हो सकता है। सो चलिए इसी बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना, और इसी बार थोड़ा सा सब्सक्राइब में एक सेकंड ही लगता है, वो सब्सक्राइब भी कर देना। हमारा 400 हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक्स टू ऑल द सब्सक्राइबर्स फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। 400 सब्सक्राइबर, वी स्टार्टेड फ्रॉम नन, जो कि सब लोग करते, एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड मेक्स देयर ओन यूट्यूब चैनल, और हमने भी वही किया, स्टार्ट जीरो से किया और 400 सब्सक्राइबर हो गए। लेट्स गो मोर फॉर फॉरवर्ड, और 500 सब्सक्राइबर इज आर नेक्स्ट टीम। सो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, तब तक के लिए बाय बाय।